रीजनल आउटरीच देहरादून द्वारा कराए जा रहे ऑडिशन को निरस्त करने की मांग को लेकर कुमाऊं लोक कलाकार महासंगठन के कलाकार अल्मोड़ा में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर कलाकारों ने पारंपरिक छोलिया नृत्य की धुनों को बजाते हुए प्रदर्शन किया। कलाकारों का कहना है कि पहाड़ी राज्य की भौगोलिक हालत और आपदा को देखते हुए ऑडिशन स्क्रीनिंग लोक कलाकारों के हितों में नहीं है। कुमाऊं के दलित पिछड़े और गरीब कलाकारों पर स्क्रीनिंग ऑडिशन कराकर इन कलाकारों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंगठन के कलाकारों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो वो जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे। लाइव उत्तराखंड के लिए अल्मोड़ा से एमडी खान की रिपोर्ट। आउटरीच ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में देहरादून में 8 से लेकर 10 तक सूचना भवन में ये लोक दलों का ऑडिशन किया जा रहा है। तो जो ऑडिशन जो पूर्व से पंजीकृत दल हैं ऑलरेडी आपके वहाँ करीब 30-35 वर्षों से कार्य करते हुए आ रहे हैं, तो बार बार आप उनको ऑडिशन का देते हुए आर्थिक भूल डलवा रहे हैं और उनपे उनके खिलाफ ही शक कर रहे हैं। पहली बात तो यह, दूसरी बात यह है कि जो नए दल हैं आगुंतक कलाकार हैं हमारे उत्तराखंड के, उन कलाकारों का ऑडिशन कुमाऊं रीजन का केवल अल्मोड़ा में कराया जाए, क्योंकि उदय शंकर जो सांस्कृतिक आदरणीय अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा जो शहर है ये बुद्धिजीवियों का नगर है, अपना सांस्कृतिक नगर है, तो अल्मोड़े में होना चाहिए या नैनीताल में होना चाहिए। इसके अलावा हमारी मांगें ये हैं कि भाई जो पुराने दल हैं उन दलों का ना कराया जाए और नए दलों का अगर आप ऑडिशन करते हैं तो केवल अल्मोड़ा में कराया जाए। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।